हेलो व्यूअर्स, मैं हूं वंदना झा और आज फिर आई हूं आपके सामने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सेशन 7 के साथ। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल जो है प्लांट सेल का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। मेन कहने का मतलब कि आप किसी प्लांट को अज्यूम ही नहीं कर सकते सेल वॉल के बिना। सेल वॉल जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपरी कवरिंग होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके ऊपर का कवर ये सेल वॉल है। सेल वॉल जो है एक्चुअली सेल्यूलोज का बना होता है प्लांट सेल में, और ये प्लांट को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्लांट को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये एक प्लांट सेल है। ये वैक्यूल, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत बड़ा पार्ट प्लांट सेल का वैक्यूल से कवर्ड रहता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल, आउटर कवरिंग ऑफ सेल बोल सकते हैं आप सेल वॉल को। ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से? तो ये एक्सट्रीम कंडीशन कहने का मतलब होता है एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड, इससे प्रोटेक्ट करता है प्लांट को और स्ट्रेंथ भी देता है, जैसा कि हम पहले पढ़ा हमने कि ये स्ट्रेंथ भी देता है प्लांट को और एक्सट्रीम कंडीशन में ये प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। अब कहेंगे कि सेल वॉल जो है वो प्लांट के लिए ही क्यों, एनिमल के लिए क्यों नहीं, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो एनिमल के लिए इसलिए नहीं क्योंकि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो मोबाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो जा सकते हैं। अगर क्लाइमेट में एक्सट्रीम कोई कंडीशन आती है तो वो कहीं भी हाइड कर सकते हैं खुद को, बट प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकते, उनको वो अपनी जगह पर स्टेशनरी ही रहते हैं। इसलिए उनको जो है प्लांट सेल को सेल वॉल की नीड होती है। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में नहीं होता बल्कि फंजाई में भी ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया में भी ये प्रेजेंट होता है। सेल तो हम समझ रहे हैं कि प्लांट जो है वो बाहर रह रहा है, बाहर के क्लाइमेट में रह रहा है, इसलिए इसको सेल वॉल ज़रूरी है, बट फंजाई और बैक्टीरिया को क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन भी उठता है। तो फंजाई जो होता है ना वो मोस्टली इमूवेबल होते हैं, इसलिए इसको सेल वॉल की ज़रूरत होती है। सेम यही कंडीशन होती है बैक्टीरिया के साथ, ये मूवेबल तो होते हैं बट इनका क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो एक्सट्रीम रहता है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है एक्सट्रीम रहता है, मतलब कि ये वाटर में, जैसा कि जानते हैं कि हम ये वाटर के अंदर रहते हैं मैक्सिमम, और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में इनके सेल को भी ज़रूरत पड़ती है सेल वॉल की। फंजाई के सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल जो है वो बना होता है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से बना होता है प्लांट का सेल वॉल, और ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। बिल्कुल इसी तरह है फंजाई का सेल वॉल जो है ये, मगर सेल्यूलोज का बना हुआ नहीं होता, ये बना होता है काइटिन नाम के एक प्रोटीन का। और बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन। ये बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम डाइल्यूट क्लाइमेट में रहता है, इसलिए जब ये ऑस्मोसिस के थ्रू, बैक्टीरियल सेल अगर ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वो डाइलेशन उसमें हो जाता है, मतलब वो स्वेलअप हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पुश करता है सेल वॉल की तरफ। अब सेल वॉल का यहाँ मेन ये फंक्शन रहता है कि ये सेल को बर्स्ट होने से बचाता है, ताकि एक्सट्रीम स्वेलअप होने से ये बर्स्ट नहीं हो जाए इनके सेल। इसलिए जितना बैक्टीरियल सेल
प्लाज्मा सेल वॉल को पुश करता है, उतनी ही सेम प्रेशर से सेल वॉल की सेल वॉल जो है वो सेल के ऊपर प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से इसके सेल बर्स्ट नहीं होते। प्लांट के सेल वॉल जो होते हैं वो फ्रीली परमिएबल होते हैं, फ्रीली परमिएबल। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेमी परमिएबल पढ़ा था, मगर यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि ये फ्रीली परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल का मतलब कि ये इस तरह से परमिएबल हैं कि ये एटमॉस्फेयर से इनके नीड की सारी चीज़ें इनके अंदर आने और जाने की या मूवमेंट की परमिशन देते हैं, जैसे CO2, वाटर और ऑक्सीजन का मूवमेंट ये फ्रीली होने देते हैं प्लांट के सेल वॉल। अब इनके इनके बात आती है कि ये क्या है, मतलब सेल्युलोज जो है वो क्या है, क्या करता है। तो सेल्युलोज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो जैसे जैसे हम ट्रीज़ के ऊपर, जैसे हर्ब्स हैं, श्रब हैं और ट्रीज़ हैं, इन तीनों के हिसाब से जैसे जैसे टाइप ऑफ ट्री होगा वैसे वैसे सेल वॉल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। टाइप ऑफ ट्री डिसाइड करता है स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल। स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल डिसाइड करता है। अब बात आती है इसके फंक्शन की। तो इसका सबसे पहला फंक्शन तो होता है कि ये रिजिडिटी और शेप देता है। दूसरा इसका फंक्शन है, जैसा हमने बात किया है कि ये फ्रीली परमिएबल है, तो ये अलाउ करता है, क्या करता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। तीसरा इसका फंक्शन है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और चौथा इसका एक बहुत मेन फंक्शन है, वो है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या है? प्लाज्मोलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जब सेल जो है वाटर, ये मेनली होता है जाइलम और फ्लोएम दोनों दोनों टाइप के ट्रांसपोर्ट प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में, जब वाटर और मिनरल दोनों का जब एब्जॉर्प्शन होता है रूट सेल्स के द्वारा, तो ये एक सेल से दूसरे सेल में जाने की प्रोसीजर जब होती है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो ये क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं वाटर और मिनरल, तो ये सेल जो है श्रिंक हो जाती है। इसको हम समझते हैं इस तरह से कि एक सेल है ये, सॉरी ये सेल वॉल है, ये अंदर सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये वैक्यूल, क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं वैक्यूल जो है मोस्ट ऑफ द सेल होता है प्लांट सेल में, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेल वैक्यूल ही होता है। तो ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल है। अब ये क्या करता है, ये ऑस्मोसिस करता है और ये वाटर को बाहर की तरफ, वाटर और मिनरल को छोड़ देता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है और इसके साथ वैक्यूल भी थोड़ा श्रिंक कर जाता है।
ये नन अदर देन सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैक्यूल। तो जब ये श्रिंकेज होती है सेल के अंदर, तो ये जो प्रोसीजर होता है, अब ये श्रिंकेज होने के बाद, ये श्रिंकेज होने के बाद सेल जो है ये अंदर सिमट जाना चाहता है, बट ये वैक्यूल जो है इसमें स्टोर्ड रहता है मैक्सिमम वाटर और मिनरल। ये आपको पता ही है कि इसके अंदर वाटर और मिनरल मैक्सिमम अमाउंट में सेव्ड रहते हैं। तो ये जो है ये फिर हायर कंसंट्रेशन इसमें वाटर का और मिनरल का हो जाता है और यहाँ लोअर हो जाता है। तो वैक्यूल जो है रिलीज़ करने लगता है सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज़ करने लगता है और ये फिर से बिल्कुल अपने शेप में आ जाता है। तो ये पूरी प्रोसीजर जो होती है ये कहलाती है प्लाज्मोलिसिस, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन फीचर है जो कि सेल वॉल जो है ये इस टाइम में सेल वॉल जो है ये इसको बर्स्ट होने से बचाता है। एक्सट्रीम कंडीशन में सेल वॉल जो है पूरे सेल को बचाता है बर्स्ट होने से, और ये ही पूरी पूरी प्रोसीजर चलती रहती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फूड एसेट्रा। ये जो है प्लाज्मोलिसिस के थ्रू प्लांट में होता रहता है, इस वजह से इसका मेन फंक्शन भी ये है, और ये पूरी चीज़ें सेल वॉल के अंदर आती हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने सेल वॉल पढ़ा है, अगली बार हम एक नया टॉपिक लेंगे और इसका हम एक क्विक रिव्यू ले रहे हैं। ये सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल। सेल वॉल जो है वो आउटसाइड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये एक टिपिकल सेल है प्लांट का। सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है एक्सट्रीम कंडीशन में प्लांट सेल की हिफाजत करना। सेल वॉल जो है प्लांट सेल के अलावा फंजाई और बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल का सेल वॉल सेल्युलोज का बना होता है जो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है जो एक प्रकार का प्रोटीन है, और बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। प्लांट सेल जो है, प्लांट का सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल होता है। प्लांट का सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होता है जिसकी वजह से CO2, H2O, O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन ईजिली प्लांट के अंदर हो जाता है। अगेन सेल वॉल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और टाइप ऑफ ट्री पर डिपेंड करता है इसकी स्ट्रेंथ, मतलब जितना बड़ा ट्री होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा उसका सेल वॉल। इसका फंक्शन मेन है ये प्लांट को रिजिडिटी और शेप देता है। ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को अलाउ करता है क्योंकि ये फ्रीली परमिएबल होता है, इसलिए ये प्लांट को प्रोटेक्शन देता है और अनफेवरेबल कंडीशन में भी इसको प्रोटेक्ट करता है। इसका फंक्शन प्लाज्मोलिसिस भी है जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर लिक्विड के फ्लो में डिपेंड करता है और सेल को अनफेवरेबल कंडीशन में बर्स्ट होने से बचाता है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, सो टेक केयर, बाय बाय।